पानी पी लो, तो आप बोलोगे रख दूंगी मैं, तो वो कहा नहीं पानी, मैं आऊंगी पानी आपके पास रख दूँ, फिर मैं बोलूँगी लो पैसे, पैसे मतलब मैंने कमाए हैं वो आपके काम आ रहे हैं, तो आप बोलोगे मेरा काम नहीं चला तो तू गलत गलत काम करके पैसे कमाए और मेरे चाचा मार दो, फिर मैं बोलूँगी नहीं मैंने मेहनत से कमाए हैं बस, फिर तुम बोलोगे शॉर्ट है वो तो मोटिवेशन वीडियो सॉन्ग, लोग आदमी एक खिलौना है, नहीं ऐसे लड़ाई झगड़े वाली नहीं, मोटिवेशन है कि कैसे दोनों साथ में रह के एक दूसरे को करते हैं, कोई भी कुछ हो जाए पर औलत गलत नहीं चलती है, घर परिवार के बारे में सोचती है, मतलब मम्मी का ही फायदा हो रहा है, पापा का तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है चलो आ जाओ रेडी, आ जाओ नहीं शॉर्ट खड़ी हो, उधर खड़ी हो, पैसे तो दिखा दे इसमें, नहीं मुझे कोई काम करना नहीं है, नहीं बैठ हो गया कि मैं साइड से पानी रख दूं, मैं बोलूं लो मैंने आज कमाए हैं ये, तो आप मेरे चाटा मार दोगे तो के मेरा काम छूट गया तो गलत काम करोगे, तो मैं बोलूंगी नहीं मैंने ये कमाए हैं ऐसे चलो तो हम वीडियो कहाँ से मैंने गलत तरीके से नहीं कमाया, मैंने मेहनत की है, सिलाई करी है, कोई बात नहीं सॉरी। बल्बला निकाला था उल्टा हाथ उल्टा हाथ, वो भी उल्टा करके इन्होंने मेरे चांटा मारा है, और कितने रुपए दिए मैंने, हजार रुपए दिए, और ऐसे फिर ना मम्मी को ऐसे 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 करके गिन कर, अब देखते हैं हंसी तो नहीं निकल रही है, करने लायक नहीं होती है, चीनी तेल खत्म हो गया, अब लेने जा रहे हैं, यहीं से लाओगे है? लिया ठीक है, तभी सब्जी बनाऊंगी हाँ, पापा श्राद्ध जाई से हो जाइए ना, एक ही थैली खोलो, और क्या लायो, टमाटर सॉस, ये सही किया सुबह, बड़ी वाली बोतल ली आऊंगी, लो लो सैंडविच बनेगी, ये चीनी है, चीनी खत्म हो गई थी, जलेबी, अरे इनकी जाता हूँ ना सील रही, इनके मसाला आई थी जा लग रही, पानी डालता होगा, हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है, राम राम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना, और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी तो अभी आपको पता है घर में काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं, कुछ भी बना लो, पर वही है इनकी तबीयत ख़राब चल रही, तो इन्होंने बोला प्रीति मेरे लिए तो पिछली बार टमाटर आलू बनाए थे तो कढ़ाई में बनाए थे तो वो गाढ़े गाढ़े बन गए, तो इन्होंने बोला कुकर में बढ़िया से लहसुन वहसुन डाल के और टमाटर आलू आज खिला दे, तो दही जमाया था मैंने, फिर इसमें लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मैंने अच्छे से वो करा, और टमाटर मैंने दो काटे, टमाटर बहुत महंगे हो गए, इतनी महंगाई में क्या बचाएं क्या खाएं क्या सेविंग करें, तो यहाँ पे मैंने सब्जी की तैयारी रख ली है, ये मलाई रखी है, उसका घी बनाना है, दही में करके करूँगी, मेरे पास रही नहीं है फेड़ने वाली, जीरा डाल दिया, राधा आ गई, राधा से बातें कर रहे, ये तो हमारा रोज का आया, मतलब राधा और हम बातें ना करें ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा रही है हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाए थे, उसमें बस मोटिवेशन वाली वीडियो है, ऐसा नहीं मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि ये कि वो, और मतलब मेरे काम अभी देखा अपने तेल ख़त्म हो गया, मतलब कल हो गया था, और अभी बताए काम ही मेरे पिटने जैसे होते हैं, सामान ख़त्म हो जाता है वो बोलती ये बोलते दो दिन पहले बता दिया, कब पर ध्यान ही नहीं रहता, तो फिर अभी ये रात को गए थे तब ये तेल 2 किलो तेल चीनी लेके आए, सरसों का तेल अभी नहीं लेके आए, कल बोले थे कल ला दूंगा क्योंकि उनके पास डब्बा नहीं था, मैंने बोला ठीक है, और वैसे भी सामान चाहिए, मतलब संडे को मुझे श्राद्ध करना है पापा का, तो इस वजह से ससुर जी का, टमाटर आलू छोंक दिए मैंने, प्याज अदरक का लहसुन का पेस्ट डाल के उसमें आलू डाल दिए, इनको थोड़ी देर पकने के बाद इसी में सारे मसाले डालूँ, टमाटर बाद में डालूँगी, टमाटर बाद में इसलिए डालूँगी टमाटर घुले ना, क्योंकि इन्हें टमाटर घुले अच्छे नहीं लगते, मतलब इनको कटोरी में टमाटर चाहिए, तो फिर मैंने यही जुगाड़ बताया, तो इनकी टमाटर इन दिखे, बोल रहे थे प्रीति काफ़ी दिन बाद मतलब मेरा पेट अच्छे से भरा, ऐसे नहीं कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाती हूँ, आप लोग शायद ये सोचे प्रीति खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, सब्ज़ी मेरी अच्छी बनती है,
तो मतलब दही था, इतने दिन से मैं दही नहीं जमा रही थी, ठंडा मौसम था इस वजह से दही था, ये सब्जी और थोड़ी दिन की भी सब्जी रखी थी। वैसे मैं भरमा करेले बना रही थी, फिर मैंने बोला चलो ये बना लेते हैं। टमाटर मैंने ऊपर से डाले हैं और पकने के बाद इसमें पानी डाल दी, पानी ज़्यादा डाला है। तरी के आलू तो ज़्यादातर तरी के ही अच्छे लगते हैं इससे रोटी से कि। इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई, नहीं बनाई क्योंकि लाइट बहुत जा रही, अभी भी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो लाइट चली जाई, बहुत जल्दी है मुझे वीडियो डालने की क्योंकि फिर तो मतलब 4-5 बजे वीडियो पड़ पाएगी, लाइट आएगी तब। दो सीटियों में आलू बन के तैयार हो गए और इनके कंधे में दर्द हो रहा था, इनके लिए मैंने पानी भरा मतलब बाथरूम में। ये दोनों टाइम नहाते हैं, सुबह भी शाम को भी, तो इन्होंने बोला प्रीति कूलर भर दे और मेरा पानी भर दे। मैंने बोला चलो ठीक है, पिटने के बाद मुझसे उम्मीद रख रहे हो पानी भरने की। घी बना देती थोड़ा सा। क्या बना देती? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, सब्जी में से आई रही थी तब जब बन रहा था। ये सब्जी काम कर रही थी, ये दही बच्चों ने सुबह भी ले लिया था, मैंने काफी जमाया था, आज भी जमा दो। मम्मी का दही हाथ का बहुत अच्छा लगता है। रोटी जल गई? मम्मी के हाथ का दही बहुत अच्छा लगता है। ये इतना वंशु ले ले, इतना इनके पापा को। तुमने लोगी? नहीं मैंने नहीं, मेरी कटोरी में तो है थोड़ा सा दही। नहीं रखा हुआ, जब इतना खाया नहीं जाता तो लेती क्यों हो, जितनी लेनी चाहिए जितनी जरूरत हो। पता नहीं सबको ये दही चीनी डाल के क्यों अच्छा लगता है। लो ले जा, पापा को दे दो ये। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, ये चल गए थे इनके लिए चाय बनाई, सब कुछ बना मतलब ना सुबह मेरे चाय बना रही थी तो बोल रही प्रीति चल चाय बना दे, मैंने अच्छा इतनी पीठ पाट के तब चाय बनाओ के, तूने ही वीडियो मुझ पर बनवाई और वो करके अब तू ही ऐसे कर रही है। अब वो लग गया हाथ तेज में तो क्या करूँ। सही बात है, इतनी मिन्नतें की वीडियो में आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद तो वो वीडियो मेरे साथ इन्होंने बनवाया था। आप लोग बोले बात को कितना खींच रही है, तो वो बात ना इसमें बहुत जल्दी कर रहे, मतलब आधा एक घंटा लग गया था इनको एक वीडियो बनवाने, वो भी आपको शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं आई क्या? कुछ किसी लोगों ने नहीं देखा, अभी वीडियो एडिट करी, कचरे की गाड़ी भी आ गई है, इतनी मिन्नत है कि इतना वो कुछ किया, वो भी वीडियो चढ़ी नहीं और ना सही बताऊँ उल्टा हाथ मारा था तो तेज़ लगा। ये बोल रहे थे मैंने तो बहुत धीरे से मारा, तेज़ भी लग गया थे, तेज़ भी लग गया। मैंने हाँ आदमियों के हाथ और इनका हाथ तो हथौड़ा है, हथौड़ा मतलब बहुत टाइट है। मैंने बोला चलो अब मेरी वो थी तो क्या कर सकते हैं। तो ये नहा के आ गई हूँ मैं, बॉडी लोशन वगैरह लगा लूँ, वंशु को नहलाया धुलाया नाश्ता पानी सब कराया तब उनको देख के मैं भेज के आई। अब सबने चाय वगैरह पी सारा, मतलब बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाया, फिर अपने कामों में लग गई वंशिका का, आज फर्स्ट पेपर है। गाइस तो मम्मी यहाँ पे कर रही हैं कपड़े धो रही हैं, है मम्मी? अब तुम लोग कर करके छोड़ दोगे तो कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। आपको दिखाऊंगी कपड़े कितने हो रहे थे, आप देखते रह जाओगे। वॉशिंग मशीन से कम कपड़े आए ना तो आवाज कितनी करने लग जाती है। देखो टंकी भी भरने वाली होगी, सारी यूनिफॉर्म वगैरह धो दिए मैंने, कल तो मैं पेपर एग्जाम है। हमारी क्लास रूम के सामने ही बोर्ड लगेगा, उसमें से बताना पड़ेगा। मैं 56 रोल नंबर है तो सिर्फ सामने देखना पड़ेगा, मैं लेट हुई हूँ ना एडमिशन, इसलिए मैं 56 है ना मम्मी? चलो ठीक है, जाओ पढ़ाई करो। इंग्लिश का पेपर है और वंशिका का मतलब पेपर है इंग्लिश का है, तो मैं उन्हें 9 बजे छोड़ के आई ना, 8:45 का था, उठ बहुत जल्दी गई छोड़ के आई क्योंकि ये नहीं लेके गए थे तो इस वजह से उठ गई थी, फिर थोड़ी सी देर सो गई लेट तो थोड़ा सा, मतलब जैसे 5 बजे 5:30 बजे उठती हूँ तो आज 7 बजे उठी थी, जो है वही दिखाती हूँ, झूठ बोलूँ ये करूँ नहीं, 7 बजे उठी। फिर मैं उठी के झाड़ू वाड़ू लगाया, सारा काम धंधा किया क्योंकि लाइट का अभी मैंने आपको बताया, बंसु को छोड़ के आई, उनका रोल नंबर वगैरह मैं पता हूँ, इतनी मतलब रोल नंबर में दिक्कत हो रही थी क्या ही बताऊँ। फिर रोल नंबर वगैरह में बैठ के
वंशु अपनी आईडी नहीं लिख के ले गई थी, फिर सामने वाली दीदी को फ़ोन किया, फिर उनकी आईडी वगैरह दिलवा के फिर उनके रूम में बिठा के तब लेके आई। अभी टाइमिंग का इतना वो चल रहा है वीडियो का और बच्चों का, मतलब सोना की 11 बजे होती है, वंशिका की 11:30 बजे होती है। अब वंशिका का मतलब वंशिका का दूर है काफ़ी ज़्यादा, 2-2.5-3 किलोमीटर, सोना का यहीं है। सोना को पहले घर लाओ, फिर छोड़ के आओ, फिर वंशिका को लेने जाओ। पहले क्या करती थी, उधर वंशिका को लेने आती थी, वहीं रास्ते में सोना का पड़ता था, सोना को लेके घर आ जाती थी, खाना पीना खिलाया, ट्यूशन छोड़ाती थी। अब बहुत ज़्यादा लफड़ा पड़ रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं कैसे मतलब लेट वेर हो रही है, पर मुझे पता है आप लोग मतलब मुझे समझेंगे मेरी बात को। तो और ये वाली बेडशीट बिगड़ी हुई क्योंकि इस पर सोना है, सोना की छुट्टी है, फाइनली सोना के एग्ज़ाम हो चुके हैं। सोना पर सोना कहती मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है लेके जाएंगे, पढ़ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, धूप में कहाँ लेके जाएं। बाल बनाऊंगी बाद में, बॉडी लोशन वगैरह लगा लिया। इस सूट में मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। घर का सारा काम ख़त्म किया, मम्मी से बात की, मम्मी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब भी उनका गाल सूजा हुआ है। चूड़ा देखो कहाँ लगाया है गर्मी की वजह से, पर कोई नहीं, चलो सारा साफ सुथरा किया। ये ना चूहे खा गए, चूहे मुझे जाना स्कूल वंशु को लेने के लिए। मैं 2-3 रोटी करके फिर मैं करती हूँ, आटा गूंथ देती हूँ और फिर सामान वगैरह देखूँगी क्या है क्या नहीं है। गरीब भाई देखो 10-10 रुपये वाले मंगा रही हूँ, गरीब वो क्या, ऐसे मजाक कर रही हूँ। लक्स साबुन मैंने हाथ धोने के लिए मंगाया, सही रहता है, और ये बर्तन धोने के लिए 10 अलग मंगा लो ना वो ख़त्म हो जाता है तुरंत का तुरंत, इसलिए मैंने ये मंगाया। और मौसम काफ़ी अच्छा है पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बर्तन सेट करने, चलो मैं 1-2 वो धो लेती हूँ। तवा रह गया था तो तवा, अच्छा मेरे बर्तन कौन से गंदे रहते हैं एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन से, एक सेकंड, कौन सा गंदा है मेरा, क्या चीज़ गंदे, कहाँ से मेरे बर्तन आपको गंदे दिखते हैं, कुछ लोगों को कहाँ से, बालों से बर्तन लो। बस मेरा ये कुकर का तलवा खराब है, जो भी ये छूट गया है, ये छूट गया है, ज्यादा वो करूंगी ना तो ये हट जाएगा। कौन से बर्तन, देखो सारे बर्तन चमक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रही, देखो मेरा तवा, ट्राइपॉड रुकी नहीं रहा, मैं क्या करूं। अब ठीक है, लाइट चली जाएगी 11 बजे, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। फिर से टीवी चल गई, सीटी बुद्धी लग रहा है सूट के अंदर। चलो मैं ये सेट कर लूं, ऐसे ऐसे कैमरे सेट करने पड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे और, आप लोग बोलते हैं ना प्रीति कैसे सूट करते हो, तो बहुत दिक्कत देता है। आटा गूंद के फटाफट मैंने रोटी बनाई, पहले गाय की रोटी निकाली, फिर मैंने सोना के लिए पराठे बना दिए थे और वैसे बना दिए थे उनको खिला पिला के, क्योंकि फिर एकदम से चली जाऊंगी। और पता है मेरी चप्पल, मैं सोच रही हूँ आज लेने जाऊँ कल लेने जाऊँ, पर हो ही नहीं पा रहा है कि चप्पल लेके आ पाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ इनकी छुट्टी कराऊँ तब मैं जाऊँ, अब ये सोची चप्पलों के लिए मैं छुट्टी। अब प्लीज़ वीडियो को मतलब हंसी मजाक में ही लीजिएगा, पॉजिटिव वीडियो ही डालती हूँ, आप लोगों को बताइए। और जिसने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है पूरी शॉर्ट वीडियो देखिएगा, क्या कहानी क्या नहीं। पर जब मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट ना मिले तो मन तो दुखी होता ही है। चलिए रोटी बना के, ये वीडियो सोना ने बनाई तो हिल रही है थोड़ा सा, इग्नोर करिएगा। और ट्राईपॉड मेरे बहुत टूटते टूटते क्या है आप लोगों को पता ही है, मतलब ट्राईपॉड
पटपट इधर से उधर गिरते रहते तो ये हो ही जाता है। चीनी लेके आए थे, चीनी खोल दी है, खोल के इस डब्बे में भर दूंगी। ऑयल मैंने एक खोला है, दूसरा मैंने ऑयल नहीं खोला है, ये देखिए। और ना थोड़ी सी सिमई वगैरह जवा पड़े थे उनको मैं हटा के रख दूंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ गाय को रोटी देने के लिए। हमारे यहाँ कहीं जाना नहीं पड़ता कि वहाँ गाय की रोटी दो वहाँ नहीं, आराम से। आपको देखिए एक गाय इधर खड़ी है, एक गाय इधर पर। मैं गर्म वाली रोटी लेके आई हूँ और रोटियाँ रखी हैं वो तो मैं लेके ही नहीं आई हूँ। चलो कोई नहीं, वो अभी बंसी वगैरह को लेके आ जाऊँ, वो डाल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलिए, आप लोगों ने मुझे कल बताया कि मतलब दसवीं कम है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का भी ध्यान रखिएगा।